हेलो बच्चों, आज हम टेलर सीरीज का सेकंड लेक्चर बनाने जा रहे हैं। आई होप आपको अब तक मेरा पहला लेक्चर समझ में आया हो कि हमने टेलर सीरीज में क्या किया था और कैसे हमने उसको न्यूमेरिकल किए थे। तो देखते हैं कि आज सेकंड न्यूमेरिकल हमारे पास क्या कहता है। आज हमारे पास सेकंड न्यूमेरिकल है फंक्शन जेड। किसके बराबर है? 1/z के बराबर है, जिसमें उसने कहा है कि जेड बराबर आपको कितना पुट करना है, 2 पुट कर उसको सॉल्व करना है, इसको एक्सपेंड करना है। तो देखते हैं इसके लिए क्या है। सबसे पहले टेलर सीरीज का फॉर्मूला क्या बताया था हमने आपको, क्या फॉर्मूला था आपके पास? फंक्शन जेड इज इक्वल टू फंक्शन ए प्लस जेड माइनस ए सिंगल डिफरेंशियल अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस जेड माइनस ए का स्क्वायर डबल डिफरेंशियल 2 का फैक्टोरियल प्लस ऐसे ही जेड माइनस ए की पावर एन फैक्टोरियल एन टाइम्स अपॉन एन फैक्टोरियल। ये हो गया आपका टेलर सीरीज का फॉर्मूला। अब हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशियल करना है 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, जितनी टाइम आप कर सकते हैं उतना डिफरेंशियल हम उसको करना है। और करने के बाद जेड बराबर कितना गिवन है आपके पास? 2 गिवन है, तो ये वाली वैल्यू हमें उस डिफरेंशियल के अंदर रख देनी है। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या होगा। अब देखते हैं फंक्शन जेड कितना है आपके पास, 1/z है, तो इसका डिफरेंशियल कितना होगा इसका डिफरेंशियल कितना होगा, इसको हम ऐसे लिख देंगे माइनस के 1 ऊपर लेकर रिवर्स कर दिया तो -1 बाहर हो गया, पावर -1 -1, यानी डिफरेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n होता है, n बाहर उतारा पावर बाहर उतारी, जो पावर बाहर उतारी उसमें से हमने क्या कर दिया 1 माइनस करा, तो यहाँ पर z की पावर कितनी है -1, ये पावर बाहर उतारी z एज इट इज -1 में ही क्या कर दिया -1 ऐड कर दिया, तो कितना हो गया -1 z की पावर -2, तो कितना आ गया -1 z स्क्वायर। ये आ गया आपके पास फर्स्ट टाइम डिफरेंशियल। सेकंड टाइम डिफरेंशियल करा इसका कितना हो गया -1 जेड की पावर -2, फिर से ऊपर ले गए तो कितना हो गया -1 एज इट इज, ये वाली पावर बाहर आ गई जेड -2 में -1 ऐड करा तो कितना हो गया आपके पास -2/z³। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, 3 टाइम डिफरेंशियल करना है, तो आप लोग ऐसे क्या कर लेंगे उसका 3 टाइम डिफरेंशियल कर लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या दिया गया था आपके पास कि जेड बराबर कितना है आपके पास 2 है, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल देंगे फंक्शन की। तो रखते हैं जेड बराबर 2 कितना है, 1/2 हो गया फंक्शन जेड में, यानी जेड बराबर 2 रखा तो 1/2 हो गया। ये वाला कितना हो गया फंक्शन सिंगल डिफरेंशियल जेड की जगह क्या रखेंगे आप लोग, 2 रखेंगे और कितना हो जाएगा -1/2 का होल स्क्वायर। ये हो गया, तो कितना हो गया -1/4। फिर ये वाला डबल डिफरेंशियल जेड, यानी जेड की जगह क्या पुट करेंगे आप लोग 2, कितना हो जाएगा 2/z की जगह फिर से 2 का क्यूब, तो कितना हो गया 2/8, यानी कितना हो गया 1/4। ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई। अब ये सारी वैल्यू उठा के कहाँ रखते हैं, अपने फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो देखते हैं क्या है हमारा फॉर्मूला, फंक्शन जेड फंक्शन ए, यानी इस जेड की जगह हमने क्या रखा पुट रखा, इस जेड की जगह हमने क्या रखा 2 रखा, तो ये वाला जेड की जगह 2 रखा, तो ये वाला 2 कहाँ रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे जहाँ जहाँ पर आपका ए आ रहा है। क्यों रखा, क्योंकि जो ये फंक्शन ए है इसी का हमने क्या किया डिफरेंशियल किया इन द फॉर्म ऑफ ए, या बाय द डेफिनेशन ऑफ द टेलर सीरीज। ठीक है, तो ए की जगह आप क्या रख देंगे 2 रख देंगे, क्यों, फर्स्ट टाइम डिफरेंशियल किया तो 2 रखा, तो यानी यहाँ पर ए की जगह क्या जाएगा 2, तो पूरी जगह पूरी सीरीज में हम लोग क्या रखेंगे ए की जगह 2 पुट करेंगे। तो रखते हैं फंक्शन 2 प्लस जेड माइनस 2 सिंगल डिफरेंशियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस जेड माइनस 2 का स्क्वायर डबल डिफरेंशियल 2 ए की जगह 2 पुट और 2 का फैक्टोरियल प्लस, ऐसे ही आप लोग सीरीज को आगे कंटिन्यूस करेंगे। तो फंक्शन 2 की वैल्यू फंक्शन 2 यानी 2 रखने पर कितना वैल्यू मिला 1/2 मिला प्लस जेड माइनस 2 एज इट इज सिंगल डिफरेंशियल रखने पर और उसमें 2 वैल्यू करने पर कितना हमें आंसर मिलता है -1/4 मिलता है, फैक्टोरियल 1 आपका कितना होता है 1 होता है प्लस जेड माइनस 2 का स्क्वायर डबल डिफरेंशियल करा और उसके में 2 की वैल्यू रखी तो कितना मिला 1/4 मिला और अपॉन में क्या है फैक्टोरियल 2। ये आपकी कंटिन्यूस टेबल ऐसे चलेगी 1/2 एज इट इज प्लस जेड माइनस 2 एज इट इज, ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा -1/4, ये प्लस जेड माइनस 2 का होल स्क्वायर
वन बाई फोर ऐसे, और फैक्टोरियल टू बोलते कितना होगा आपके पास टू, ये ऐसे थे। अब वन बाई टू माइनस वन बाई फोर जेड माइनस के टू प्लस कितना हो गया वन बाई एट जेड माइनस के टू का होल स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या आ गया वन अपॉन जेड का टेलर सीरीज बन गई। आई होप आपको ये वाला न्यूमेरिकल भी समझ में आयो। इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं अपनी बुक के और कुछ न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। थैंक यू।